नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी लेकर आज फिर हाजिर हूं आप सबके बीच। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अरे वाह। तो टाइम की तो अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और एफएनओ की पाठशाला में अनिल जी आपने भी बार बार ये कहा है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ऑप्शंस के मामले में, तो मैंने सोचा कि आज की क्लास में हम समय की कितनी अहमियत है वही सीख लेते हैं आपसे। तो ऑप्शंस के प्राइस पर टाइम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक्चुअली देखिए, एक कहावत है बाजार में कि बाजार में टाइमिंग के बजाय बाजार में टाइम देना ज्यादा ठीक है। मतलब आप टाइमिंग करते हो कि मुझे कब खरीदना है या कब बेचना है जी, एग्जैक्ट टाइम पे, कि आज ही खरीदूं, आज ही बेचूं या 7 दिन बाद, है ना जी, इस भाव में खरीदना या इस भाव में बेचना जी, उसको कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग करना किसी के बस की बात नहीं बाजार में, लेकिन टाइम देना हर एक के बस की बात है कि मुझे कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना है, कितने महीनों तक या कितने मिनटों के लिए जी, है ना। लेकिन ये बात किस पे लागू होती है? यह बात लागू होती है इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी है कि भाई देखिए, अगर आपको एक शेयर खरीदना है कोई HDFC 2000 रुपये में, अब आपको 2000 में खरीदना है, आपको पता है कि ये सालाना 20% या 25% की दर से कंपनी ग्रो करेगी जी, ठीक है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है आपने 2000 में खरीदा या 1900 में खरीदा या 2100 में खरीदा? उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगले 5-10 सालों के लिए शेयर खरीद रहे हैं। तो आप अगले 5-10 साल उसे होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ये है टाइम जी। और जहां टाइम इंपॉर्टेंट होता है वहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये बात हुई इन्वेस्टमेंट की। अब जब बात ट्रेडिंग की आती है और ऑप्शंस की आती है, तो मानसी बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। यहां सब कुछ इंपॉर्टेंस टाइमिंग की है, ठीक है। आप कब खरीद रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने वक्त तक रख रहे हैं वो नहीं, क्योंकि वक्त आप ज्यादा रखेंगी नहीं ना, ये इन्वेस्टमेंट तो है नहीं जी। भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता क्या है, या तो ट्रेडिंग जिसे स्पेकुलेशन कहते हैं जी, या हेजिंग या आर्बिट्राज, तीन चीजें होती है, तीन से चौथी चीज कोई होती नहीं, करेक्ट। तो हम जो ज्यादा पोर्शन वॉल्यूम देखते हैं वो किसका है? ट्रेडर्स का, ट्रेडिंग का। और भले ही आप हेजिंग भी कर रहे हैं तो टाइमिंग की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। ठीक तो है। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो सबसे ज्यादा अहमियत वाला फैक्टर है टाइम। अब इसको कैसे देखेंगे? आमतौर पर ऑप्शन 1 महीने के लिए होते हैं, करंट सीरीज, लेकिन जैसा कि तीन सीरीज होती है जी, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ जी। तो आप 3 महीने का ऑप्शन भी खरीद बेच सकते हैं जी, है ना। कुछ इंडेक्स में 6 महीने, 12 महीने, साल, 1.5 साल, 3 साल आगे तक के भी ऑप्शन ट्रेड होते हैं, करेक्ट। तो जब आप ऑप्शन में प्राइस देखते हैं, प्रीमियम देखते हैं, ये फर्ज के लिए कोई 1000 रुपये का शेयर है और उसके 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन 20 रुपये भाव चल रहा है जी, तो अब उस 20 रुपये के भाव में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जिससे मिलकर वो 20 रुपये का भाव बना, उसमें से टाइम वैल्यू एक है। जैसे जैसे आपका ऑप्शन एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। आपने एक चीज नोटिस की, अब मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं। आमतौर पर ऑप्शन का दाम कम होने लगता है उस महीने में जिस महीने में ऑप्शन एक्सपायर होता है। अगर ऑप्शन 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का है तो समझिए, आपने अभी से दिसंबर 2018 का ऑप्शन ले लिया या जून 2019 का ले लिया, तो जब आप दिसंबर में पहुंचेंगे तो ऑप्शन की कीमत तेजी से गिरने लगेगी उस महीने में एक्सपायरी। हाँ, लेकिन ये तो बात थ्योरेटिकल होगी। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल तो ऑप्शंस करंट सीरीज के ज्यादा ट्रेड होते हैं जी, तो करंट सीरीज के जो ऑप्शन है उनकी वैल्यू जो कम होना शुरू होती है वो एक्सपायरी के हफ्ते में बड़ी तेजी से घटती है। अच्छा, मतलब आखिरी गुरुवार एक्सपायरी है, तो सोमवार से ऑप्शन की वैल्यू दर जल्दी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि उसमें से टाइम वैल्यू निकलती जाती है, ठीक है। जैसे एक्सपायरी करीब आ रही है, जैसे एक्सपायरी करीब आ रही है वैसे वैसे। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस किया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, दो चीजें हैं। जब आप एक्सपायरी के हफ्ते में होते हैं तो सबको पता है उतार चढ़ाव बढ़ेगा,
कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिसको मार्केट नहीं समझ में आता वो भी बोलेगा वोलेटिलिटी बढ़ेगी एक्सपायरी का हफ्ता। हम कई बार हंसते हैं भाई इसको बड़ा मालूम है देखो हर बार ऐसा नहीं होता, आमतौर पर लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। अगर ऑप्शंस की कीमत घट रही है टाइम वैल्यू कम रहने की वजह से, जितना लंबा टाइम उतनी टाइम वैल्यू ज्यादा, जितना टाइम कम उतनी टाइम वैल्यू कम, ठीक है। तो जब ऑप्शंस की कीमत घट रही हो, एक्सपायरी सामने हो, वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद हो, तो फिर आप फ्यूचर्स क्यों खरीदेंगे? फिर कम रिस्क में कम प्रीमियम देकर ऑप्शन क्यों नहीं खरीदेंगे? तेजी करनी है तो कॉल खरीद लो, मंदी करनी तो पुट खरीद लो। और यही वजह आप देखती होंगी या तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन या निफ्टी के एक्सपायरी के हफ्ते में अचानक से ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ने लगता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता जी, है ना। जो दिन के हार्डली 2-5 लाख शेयर नहीं जुड़ते ऑप्शन में, उस दिन 25 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे जुड़ जाते हैं कि बस पूछिए मत जी। तो इसलिए ट्रेडर्स जब टाइम वैल्यू कम हो जाती है तो ऑप्शन के दाम तेजी से घटते हैं, तो ऑप्शन खरीदने वालों के मुंह में पानी आता है, यार कम रिस्क में मिल रहा है ना, चला नसीब तो बढ़िया है, उठा लो। हाँ, उठा लो। तो अनिल जी आपने बताया कि टाइम वैल्यू के साथ ऑप्शंस की प्राइस कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे टाइम वैल्यू घटेगी, ऑप्शन की वैल्यू घटेगी, तो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगी। हाँ होगी, लेकिन वो सुबह 9:30 बजे नहीं, वो 3:30 बजे तो जीरो होनी है, सभी की होनी है। टाइम वैल्यू घटती जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाए सुबह सुबह कि आज तो आज ही का दिन बचा है। अच्छा। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, ऑप्शन का जो भाव है उसमें खाली कोई एक चीज नहीं है, टाइम वैल्यू उसमें से एक है, एक फैक्टर है। उसके अलावा वोलेटिलिटी की प्रीमियम होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सपोज इन द मनी ऑप्शन आपने खरीदा हुआ है तो वो प्रॉफिट में तो है ही ना जी। इन द मनी ऑप्शन मतलब सपोज निफ्टी आपका 11,700 है, ठीक माफ कीजिएगा 11,600 का ऑप्शन है आपके पास में इन द मनी, और निफ्टी 11,675 बंद हो रहा समझिए, तो भी 75 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस ऑप्शन की जी। तो जीरो तो सीरीज खत्म होने पे ही होगी, लेकिन आखिरी दिन टाइम वैल्यू नहीं के बराबर रह जाएगी, और वो ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी है वो जीरो हो जाएंगे, गल जाएंगे जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। 11,700 की निफ्टी है, ठीक है, और आपने 11,800 11,900 के ऑप्शन ले रखे हैं, जीरो अंडा। अच्छा हाँ, तो मतलब लेकिन 11,600 का है और निफ्टी 11,700 या 11,675 कोई भी भाव में बन, तो उतनी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू वो रह जाएगी जो क्लोज हुई, स्ट्राइक प्राइस माइनस कैश मार्केट की क्लोजिंग प्राइस, वो ऑप्शन की वैल्यू है 3:30 बजे, उतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ये हमने कॉन्सेप्ट समझी है, लेकिन अगर स्टॉक में डिविडेंड मिल गया तब फिर क्या होगा ये जानेंगे अगली क्लास में, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।